बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करता हूँ आपको आज वाली वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ASF को किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या इसका जो भी नौकरियाँ आई हैं आपने किस तरह ASF का अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार हम आज की वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये कह दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल यू जॉब स्टार्ट PK को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास आने वाली तमाम की तमाम और लेटेस्ट की लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ओपन कर लेना है यू जॉब स्टार्ट PK को। ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ जो भी एडवर्टीजमेंट आए हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं और जितने भी जॉब्स आई हैं आज की डेट की वो आपके साथ शेयर किए जाएं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो आज की हमारी जो जॉब है वो है ASF जॉब। जैसे ही आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे ASF फाइंड न्यू जॉब्स के अंदर तो आपके सामने ये वेबसाइट आके ये वाला एडवर्टीजमेंट आ जाएगा 2 दिसंबर वाला। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और आपके सामने ये कंप्लीट एक आर्टिकल आ जाएगा। इस आर्टिकल को बनाने का मकसद ये था कि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि आपने किस तरह इस जॉब को अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको बता रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ जो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जॉब पोस्टेड की, 2 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान के उसके अंदर ये जॉब्स आई थी। लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है और ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये जॉब है। जॉब सेक्टर इसका गवर्नमेंट है, ASF आपको पता है। एजुकेशन इसके लिए मैट्रिक मिडिल पास बैचलर की ज़रूरत है। लास्ट डेट इसके लिए वो है 19 दिसंबर 2022, ठीक है, जहाँ से ये मैंने जॉब्स लिया वो है आज जॉब्स। और नीचे आ जाती है जॉब की पोजीशन, जॉब की पोजीशन है इंस्पेक्टर की। इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो अगर उसको पता नहीं है कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है वो परेशान ना हो, वेबसाइट के ऊपर और भी बहुत सारी जॉब्स आप उनके लिए दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। बैचलर एंड डिग्री, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस ये होना चाहिए। मिनिमम हीट हाइट जो होनी चाहिए मेल्स के लिए 5'6" है और जो औरत के लिए है ख़वातीन के लिए वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अप्लाई के लिए आपने ये जो चलान फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये जो चलान फॉर्म है आपने यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना, ये वाला चलान फॉर्म है, इसको आपने फिल आउट करके किसी भी नेशनल बैंक के अंदर आपने इसको फिल आउट कर देना और यहाँ पर सारी चीज़ें बयान है। और अप्लाई के लिए आपने सीधा जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे आपने क्लिक आउट करना है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई के लिए आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंस्पेक्टर करेंगे और अप्लाई फॉर दिस जॉब कर देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना CNI लिखना है, आपने जो अपना डेट ऑफ डिपॉजिट बैंक है वो आपने लिख देना, कितनी फ़ी आपने डिपॉजिट की आपने यहाँ पे लिख देनी है। और इसके अलावा आपने बैंक नेम लिखना है और बैंक का ब्रांच कोड लिख के, और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नीचे आ जाएगा पंजाब, जेंडर, ये आपने हर चीज़ डिफाइन से बयान करके एंड पे ये जो कोड है यहाँ पे लिख के प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपके सामने जो भी अप्लाई नाउ का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। अगर अभी भी किसी चीज़ को समझ नहीं आई आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए फॉर नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में मुझे आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।